भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कुएं में उतराया मिला विवाहिता का शव, मचा कोहराम। बड़ी खबर जनपद भदोही के ऊंच थाना अंतर्गत अइनज गांव से है, जहां उक्त गांव निवासी सोना देवी उम्र लगभग 38 वर्ष का शव सोमवार को सुबह एक कुएं से बरामद हुआ। जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त गांव निवासी रमेश सरोज की पत्नी सोना देवी का किसी बात को लेकर धनतेरस के दिन पति से विवाद हो गया था। इसी बात से वह नाराज थी। उसी रात में वह अचानक घर से निकल गई थी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, यहां तक कि रिश्तेदारों आदि से भी पूछताछ की गई, लेकिन पता नहीं चल सका। सोमवार को सुबह शौच आदि के लिए निकले लोगों ने गांव के बाहर एक कुएं से आती दुर्गंध पर आशंका होने पर जब देखा तो शव पानी में उतराया दिखा, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुट गए। जानकारी पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने शव को बाहर निकलवाया। मृतका के 3 पुत्री व 2 पुत्र हैं। एक पुत्री की शादी हुई है। पति मालवाहक वाहन चलाकर परिवार का जीविकोपार्जन करता है। नाम की औरत रमेश चंद की औरत है, और दीपावली की रात 14 तारीख को भोरे में यहाँ से गायब हो गई। गुमसुदगी में हम लोग रिपोर्ट वहाँ किए हैं थाने पर, और उसके बाद कुआँ वुआँ खुदवाए थे सर, उसमें तो नहीं पता लगा था। आज उतराई हुई लाश मिली। कौन देखा फिर पहले? सर पहले जिसका कुआँ है वही देखी थी सामने को, तो बताई थी एक जो है सावन लड़के को, दीपक नाम है, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सुबह देखेंगे। सुबह देखे लोग तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हम भी आए, जैसे साहब को फ़ोन किए, आए हैं सर। कोई झगड़े वगड़े की कोई बात नहीं थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सादगी परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं सर। अब कहाँ सुनी तो होता होगा, ऐसी बात नहीं। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे हैं सर, 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 3 लड़की। क्या कुछ बिछिप भी बताई जा रही है? हाँ थोड़ा सर, कुछ दिन से था, 10-15 दिन से बहुत दुबली पतली हो गई थी सर। पुरुषी राम नाम है, गांव आइना छ। हम 13-14 तारीख के दीपावली के 4 बजे साहब जौन बा, कुछ दिमाग टेंशन में रहा, आपसी में बातों चीत करे रहे दोनों परिवार। 4 बजे से न गायब रहे, हम लोग हेरत हेरत साहब, आज जौन बा कुआ में पावा है। ना साहब और कोई बात नहीं ना, हम लोग तीसरे दिन कुआ में पावा साहब। क्या लगते हैं? हम ससुर हैं साहब। सब एक ही में थे कि अलग लगते? नहीं, जौन एक लड़का लहुरका हमारे में बा और बाकी अलग है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 8 थे हैं। नहीं आपके नहीं, आपकी बहू के 5 थे। कब शादी हुई थी? हाँ बहू का, अब साहब इतना नहीं बता पाओ, 35-40 बरस 45 बरस कहा ही ना, अभी नहीं बता पाओ। एक लड़की का भी शादी कर दिया हो। मामला ऐसा वो था, हमारी बहन है, शुक्रवार को रात 10 बजे चौराहे पर से गहन दारू पी के का कहन का नहीं कहन ओके मार दहन, चाहे अपने से जान दे हो चाहे मार के फेंक दे हो। क्या नाम था आपके, अब आपकी बहन का? सोना। उम्र कितनी होगी? 45 वर्ष। और आपका घर कहाँ है? नाहरपुर हडिया। कहाँ शादी किए थे आप? अनछे 20-22 साल हुए, 35 साल हुए। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। उसमें किसी की शादी किए हैं? एक लड़की के। तो आपको सूचना सुबह कैसे मालूम चला? गहन कहाँ कि भैया पी खाई के हम थोड़ा था, कह दिया यहाँ आएगा तुहार बहन, हम कहा नहीं, कहा कि घरे से भोर में निकल गए, पता नहीं चला था, अगर आए हो तो बताओ, कहा भैया हमारे यहाँ नहीं आएगा। क्या लगता है आपको इन सब में? अब हमके ऐसा लगा था कि इनके मारे के वजह से आप प्राण दे दे है, इसकी मार के फेंक दें, इन बताओ ऐसा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।